बिस्पिलुमानीम असल आई होप यू ऑल आर फाइन इन स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी आई एम योर ज्योग्राफी टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ज्योग्राफी क्लास सो माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली टेल मी एंड थिंक दैट व्हाट आर रॉक्स वेरी गुड रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स जो कि नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं सॉलिड होते हैं ये इन स्टेट और इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं यू ऑलरेडी नो दैट So, my dear students, can you just think about the types of the rocks? Can you name them for me? Very good. They are igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. Can you give some examples of igneous rocks? You can have a look at the screen. Very good. Basalt, granite, obsidian, these are all igneous rocks. Can you give some examples of sedimentary rocks? They have layers and any example? Limestone, for example, very good. And can you give the example of metamorphic rocks? Very good. Like marble, slate, these all are metamorphic rocks. Okay, my dear students, now moving forward, how rocks form. Rocks kya se हमने इसको डिटेल से पढ़ा था हर रॉक के बारे में पढ़ा था कि ये इस तरीके से बनते हैं कैन यू क्विकली थिंक अबाउट दैम वेरी गुड रॉक्स कैन फॉर्म इन थ्री वेज कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड हीट एंड प्रेशर सो इन्हीं बनने की बेसिस पे इन्हीं जो इनकी रॉक्स की फॉर्मेशन है इन्हीं की बेसिस पे हमने इनको इग्नियस सिडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैटेगराइज किया इनको डिफरेंट टाइप्स में जो है हमने डिवाइड किया सो माई डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम मूविंग ऑनवर्ड्स फॉर टूडेज लेक्चर आज हमने रॉक साइकिल पढ़ना है दैट विल बी नॉलेज 1.6 पॉइंट सिक्स फ्रॉम योर बुक्स विच इज एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स सो आज का टॉपिक क्या है दैट इज रॉक साइकिल वाई इट इज अ साइकिल ये हमने आज डिटेल से समझना है और बहुत ही इंटर और मजेदार तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं क्विकली ओपन योर जोग्रफी सिक्स बुक्स यूनिट नंबर वन एंड नॉलेज वन पॉइंट सिक्स इज रॉक साइकिल पॉज द वीडियो एंड क्विकली ओपन

जस्ट हैव अटेड ऑब्जर्व करें इसको ये एक साइकिल बना हुआ है आपको एक पैटर्न एरोज के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है हम हर किसी को अगर क्लिक करेंगे लेट्स क्विकली क्लिक द सेडिमेंट्री रॉक्स तो यहां आपको डिफरेंट एग्जाम्पल सेडेमेंट्री रॉक्स की नजर आ रही है लाइक सैंडस्टोन लाइम स्टोन कॉग्लोमेरेट ये क्या है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है ओके okay, अब सेडेमेंट्स क्या होते हैं सेडेमेंट्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि बड़े रॉक्स से टूटते हैं और यही जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाते हैं कैसे बनाते हैं सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स जो है ये एक्यूमिलेट होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं विंड और वाटर से और उसके बाद लेयर बाय लेयर जो है ये इकट्ठे होते जाते हैं और उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है सो दिस इज हाउ सेडेमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मड अब आगे अगर हम जाएं मेटामॉर्फिक रॉक्स तो यहां आपको डिफरेंट इसकी टाइप्स नजर आ रही हैं ये बनते कैसे हैं इसको भी हम देख सकते हैं ये किस तरीके से बनते हैं जब हीट एंड प्रेशर किसी भी रॉक को चाहे वो सेडिमेंट्री हो इग्नियस हो या इवन मेटामॉर्फिक रॉक हो उसके पास जब बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर होता है तो तब ये रॉक्स बनते हैं ये दो तरीकों से बनते हैं ये कॉन्टेक्ट मेटामोफेजम से भी बनते हैं और हीट से भी बनते हैं तो या रीजनल उसको मेटामोफेजिजम कहा जाता है अब अगर जो है मेल्टिंग हो जाए मेटामॉर्फिक रॉक्स की या सेडिमेंट्री रॉक्स की तो क्या होगा क्या बनेगा मैग्मा बनेगा वेरी गुड और यही मैग्मा अगर इसकी कूलिंग हो जाए लावा एक्सप्लोजन से या इनसाइड द अर्थ मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन हो जाए तो कौन सा रॉक बनेगा वेरी गुड वी विल गेट इग्निय रॉक बिसनाइट ऑप्सीडियन एन मेनी मोर सो डियर स्टूडेंट्स ये क्यों कनेक्टेड है इन अ साइकिल क्योंकि इग्नियस रॉक्स अगर टूटेंगे तो सेडिमेंट्स बनेंगे सेडिमेंट्स जो है वो कॉम्पैक्ट होंगे विदरेंगे रेरोजन उनकी दोबारा से होगी तो क्या होगा वो फिर छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे सीमेंटेशन और कॉम्पैक्शन की वजह से सेडेमेंट्री रॉक्स बनेंगे और हीट और प्रेशर अगर इन्हीं रॉक्स को दिया जाएगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे तो इसी वजह से तमाम रॉक्स जो है ये इंटरकनेक्टेड हैं ये नए नहीं बनते बल्कि एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसी स्किल को अगर हम टेस्ट करना चाहें तो लेट्स क्विकली टेस्ट इट वेन रॉक्स आर इफेक्टेड बाय विदरिंग एंड इरोजन दे चेंज इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होता है जब विदरिंग एंड इरोजन होती है किस चीज में चेंज होता है लावा मैग्मा और सेडिमेंट वेरी गुड दे चेंज इन टू सेडिमेंट तो यहां हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक जो है वो फिल हो गई नंबर टू When sediment is compacted and cemented, it changes into which type of rock? Yes, no, no. Sedimentary rock it is. Very good. Now number three. When heat and pressure are applied to sedimentary rocks, it changes into. Yes, heat and pressure. Metamorphic is connected here. Now number four. When melting of metamorphic rock occurs, it changes into. Yes. मैग्मा, वेरी गुड डायरेक्ट एग्नियस पे नहीं जाना वेन मैग्मा इज कूल, इट चेंजेस इन टू एग्नियस रॉक वेरी गुड सो आप देखें इस तरीके से हमारे पास ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया सो माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव बैक वर्ड्स आर प्रेजेंटेशन आपने देखा कि किस तरीके से एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रहा था इन आवर रॉक साइकिल और इसी तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकस जो है विदरिंग एरोजन मैल हीट एंड प्रेशर या मैग्मा की कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से एक रॉक दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है सो नेक्स्ट टाइम इफ यू होल्ड अ रॉक जस्ट रिमेंबर कि हो सकता है कि ये मिलियन एंड ट्रिलियन ईयर्स अगो पहले का रॉक हो क्योंकि यही साइकिल जो है ये कॉन्टिन्यूसली अर्थ की एग्जिस्टेंस से चलता आ रहा है सो हाउ केन वी टेस्ट आर स्किल नाव लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स अ ग्रुप एक्टिविटी आपने सिमुलेशन को गौर से देखा अगेन यू कैन प्रैक्टिस इट क्योंकि इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है सो माय डियर स्टूडेंट्स यहां आपके पास कुछ जो है वो हिस्से या पैराग्राफ्स मौजूद हैं कुछ सेक्शन मौजूद हैं आपने हर किसी को रीड करना है अगर आपको समझ नहीं आए तो यू कैन वॉच बैक द लेक्चर रिवर्स करके और आप इसको सिम्यूलेशन की मदद से भी कंप्लीट कर सकते हैं एंड फॉर योर होमवर्क you will do question number exercise b question number 3 and exercise c question number 2 in your notebooks and for further practice you can also scan the qr code given in the exercise of unit number 1 so this will be your homework and today's conclusion have kya kuch hai conclusion What is kya review hai aj lecture that it is continuous rock cycle is a continuous process where rocks change from one type to another over the time सो टिन्यूअस साइकिल जिसमें एक रॉक मेटामॉर्फिक में फिर मेटामॉर्फिक इग्नियस या सेडेमेंट्री में इसी तरीके से इग्नियस जो है इट कैन बी चेंज इन टू सेडेमेंट्री और डायरेक्टली टू द मेटामॉर्फिक रॉक तो ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है तो so, आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा आई होप यू हैव लाइक इट एंड यू हैव अंडरस्टूड इट कीप एवरीबी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज